हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आर्थ वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आल्सो अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही आप लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाते रहता हूँ। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं अल्विश यादव के बारे में। अब ऑलरेडी यार मैंने आप लोग को कल वाली न्यूज वीडियो में बताया था कि अल्विश यादव का भाई ट्विटर पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पर भाई उन्होंने एक रेस्टोरेंट के अंदर एक बंदे को भाई स्लैप कर दिया था, थप्पड़ मार दिया था। एंड इस पे लोग यार फेक नैरेटिव वगैरह भी फैला रहे थे कि अल्विश यादव ने अपने फैन को यार इसलिए मार दिया यार थप्पड़ से, क्योंकि यार उसने सेल्फी मांगी थी। एंड जैसा कि मैंने आपको कल वाली न्यूज़ वीडियो में यार बताया था कि ये भाई एक फेक नैरेटिव था, एक्चुअल में यार उस बंदे ने अल्विश यादव को गालियां वगैरह दी थी, इसलिए भाई अल्विश यादव पीछे मुड़े और आल्सो उसको थप्पड़ बजा दिया। तो अभी यार अल्विश यादव ने खुद भी रिएक्ट किया अपने रीसेंट वाले व्लॉग में उसे पूरे ही मैटर के ऊपर। उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली सीन हुआ क्या था। वो क्या कुछ कहते हैं भाई उस वायरल वीडियो के बारे में, देखिए आप लोग। भाई मैंने फिर वीडियो में तुमने देखा, मैंने उल्टा घूमा और मैंने उसका मार दिया। पूरा बताऊं, ढंग से बताऊं, मैं पीछे मुड़ा भाई, उसके ना शरीर कांप गया लड़के का कि सुन ली इसने और अब क्या करेगा ये। तो उसने ना हाथ उसने हाथ आगे करा, मैंने भी हाथ आगे करा, उसने भी हाथ आगे करा। उसको लगा कि नहीं पता क्या मिलने आ रहा मेरे से। मैं कहा मिलने आऊँगा मैं, 3:30 जो बोली मुझे मिलूंगा मैं तेरे से नॉर्मल। मैंने जड़ दिया भाई तमाचा। उसके बाद थोड़ी तू मैं से, उसने कुछ नहीं बोला। हमारी साइड से बंदे कह रहे थे भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रोक रहे थे। ऑब्वियसली बात है भाई रोकेंगे यार, लड़ाई थोड़ी होने देंगे वो। तो वहाँ से फिर मैं चला गया। उसके बाद भाई मैंने ट्विटर पर देखा कि एक दूसरी साइड की टीम भी रेडी हो रखी है। अच्छा एल्विश तो ये है हमारे यूथ आइकन, ये है हमारे आइडल, ये रोड पे चलते हुए थप्पड़ मारते। मैंने सोच रहा भाई कोई उनकी माँ भाण को गाली बक दे पीछे से, अगर ये वहां जाके तुम क्या करोगे, स्माइल पास करोगे उसको, ये इग्नोर मार के चल दोगे। हमारा तो भाई जमीर जिंदा, अभी हमारा कोई गाली बकेगा हम तो नहीं सुन पाते। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो भाई फुकरा इंसान ने यार दोबारा से रिएक्ट किया अपने वीडियो में UK07 रेडर के ऊपर। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा कि इस साल यार बिग बॉस से जब UK07 रेडर यार बाहर आए थे तो उन्होंने भाई बिग बॉस को यार डिस कर दिया था अपने ट्रैक के अंदर। और उसके बाद भाई सलमान खान ने भी यार बिग बॉस शो के अंदर रोस्ट कर दिया था यूके राइडर को। तो इसे पूरे ही मैटर के ऊपर यार फुकरा इंसान ने रिएक्ट किया अपने रीसेंट वाले वीडियो में। वो क्या कुछ कहते हैं इसके रिगार्डिंग आप लोग खुद ही देख लीजिए। सलमान भाई को पता तो था कि वो इसी सीजन में, और सलमान भाई को पीछे से वो बताया गया था कि सल्लू भाई ये बोलो। देखो सीधी बात, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अनुराग भाई ने रिस्ट बनाया, इन्होंने भी फिर छोटा मोटा डिस कर दिया। तो एंड यू लेट हर गो। एंड नेक्स्ट न्यूज़ भी यार फुकरा इंसान के रिलेटेड है। तो भाई फुकरा इंसान ने अपने रीसेंट वाले रिएक्शन वीडियो में भाई सौरभ जोशी का एक क्लोन ढूंढा। यस भाई देखिए आप लोग। भाई ये क्या है भाई, ये तो भाई पूरा बंदा सेम लगता है भाई, ये पूरा सौरभ जोशी है भाई, आई स्वेयर टू गॉड। मैं बता रहा हूँ मैंने इसकी रील देखी, मैंने कहा सौरभ जोशी क्या कर रहा है, फिर मैंने कमेंट भी करा था 19-20 का ही तो फर्क है। सलमान अंसारी ओपन इन द चैट बॉयज। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं राउंड टू हेल के जैन के बारे में। तो जैन ने अपने यार कुछ फैन से एक रिक्वेस्ट किया। बेसिकली हुआ क्या कि रिसेंटली यार उनका बर्थडे था, तो वहां पर भाई उनको काफी सारे लोग यार उनके फैंस ऑल्सो उनके फैन पेजेस उनको यार काफी अच्छे अच्छे विशेज वगैरह भेज रहे थे। बट कुछ फैंस यार उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहे थे, एंड यही चीजें करने की वजह से यार जैन ने उन लोगों से यार एक रिक्वेस्ट करी कि ये चीज मत करो। वो किसके रिगार्डिंग बात करते आप लोग खुद ही देख लीजिए। हे गाइस थैंक यू सो मच मुझे बर्थडे विश करने के लिए। सबको तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, आई एम सॉरी, पर जितनों को भी कर पाया किया। और थैंक यू उन सभी लड़कों का जिन्होंने विश किया, और लड़कियों का भी, और उन सभी फैंस क्लब का भी जिन्होंने विश किया, वीडियोस बनाई। राउंड टू हेल यूनिवर्स हो, राउंड टू हेल वर्स हो, राउंड टू हेल एडिट्स हो, राउंड टू हेल एडिट्स टू हो, बहुत सारे एडिट्स हैं, और जैन सैफी एक्स एडिट्स हो, जैन सैफी एक्स दुआ पुआ, जितने भी फैंस क्लब हैं जिनका नाम नहीं ले पाया उनको भी आई लव यू, उनको भी थैंक यू, और सभी लड़कों को आई लव यू, और लड़कियों को भी थैंक यू, आई लव यू टू। और गाइस ये केक काट कर जो वीडियो भेजते हो ये प्लीज़ बंद कर दो, इन पैसों को आप डोनेट कर दो, इससे अच्छा तो ये रहेगा। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड थैंक यू, यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, थैंक यू, आई लव यू। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं संजना गणेशान के बारे में। अगर आप लोग इन्हें नहीं जानते तो भाई मैं आप लोग को याद दिला दूं, कोई फेमस इंडियन क्रिकेट बॉलर जसप्रीत बुमराह की ये वाइफ हैं। एंड अभी यार संजना का एक कमेंट काफी ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जिस कमेंट में भाई उन्होंने एक बंदे को गंदे लेवल पे भाई रोस्ट कर दिया था। बेसिकली हुआ क्या कि अभी होता क्या है कि जसप्रीत बुमराह एंड संजना इन दोनों का भाई एक कोलैब रील आता है उनके इंस्टाग्राम पे। एंड इसी रील के नीचे भाई एक बंदे ने उनको ऐसे रैंडम कमेंट कर दिया, लाइक संजना के लिए कमेंट किया, जिसमें वो कहता है भाभी मोटी लग रही हैं, जिसमें भाई संजना ने इस बंदे को काफी गंदे लेवल पे रोस्ट कर दिया। एंड वो कहती हैं स्कूल की साइंस टेक्स्ट बुक तो याद ही नहीं होगी तुमसे, बड़ा औरतों के बॉडीज के बारे में कमेंट्स कर रहे हो, भागो यहां से। अब ये वाला कमेंट भाई संजना का भी वायरल हो चुका है इंटरनेट पे, एंड सारे लोग भाई इसी कमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि भाभी तो नेक्स्ट लेवल रोस्टर निकली। आप लोग का क्या रिएक्शन है इस कमेंट के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। भाई आशीष चंचलानी अपने एक रील के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हुआ क्या कि रिसेंटली यार उन्होंने एक रील अपलोड
करी थी ये वाली। सबसे पहले आप वाली रील को देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि सीन क्या हुआ। भाई काहेला निराश बारो तू, का भइल बाटे के उदास बारो तू, पीठ पीछे कर हटना, बीच में क्या खड़ा है। बट यार होता क्या है कि आशीष चंचलानी ने ये जो वीडियो अपलोड करी थी यार अपने इंस्टाग्राम पे, लाइक ये जो रील अपलोड करी थी, उनके इस रील पे भाई 52 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए। और इस चीज के लिए भाई वो खुद शॉक्ड हो गए हैं। उन्होंने अपने यार इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को शेयर किया इसी वाले रील को शेयर करते हुए, एंड वो लिखते हैं, व्हाई दिस रील हैज 52.8 मिलियन व्यूज इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है भाई इस रील के ऊपर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। आप लोगों को क्या कुछ लगता है भाई कि ये रील पे इतने व्यूज कैसे आए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं आदित्य नारायण के बारे में। आप लोग भाई सिंगर आदित्य नारायण को शायद से आप लोग जानते होंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर सिंगर हैं। और अभी के टाइम पे भाई उनके कॉन्सर्ट की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर भाई उन्होंने अपने एक फैन के साथ में काफी ज्यादा मिसबिहेव किया और अपने फैन का भाई फोन उन्होंने फेंक दिया। क्या कुछ हुआ था भाई उस वीडियो में देखिए आप लोग। एंड ऑल्सो यार आदित्य नारायण की इस वायरल वीडियो के ऊपर, उनके इस बिहेवियर के ऊपर भाई उनको इंटरनेट पे अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। आप लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस वायरल वीडियो के ऊपर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं गेमरफीड के बारे में। तो क्या भाई गेमरफीड के कार का एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बेसिकली हुआ क्या कि रिसेंटली यार जो गेमरफीड है वो गए हुए थे यार दिल्ली किसी इवेंट के लिए, एंड जब वहां से यार वो लौट रहे थे तो उस टाइम पे एक ट्रक ने भाई उनके कार को भाई ऐसी टक्कर मारी कि भाई उनका जो नंबर प्लेट है वही निकल गया। लाइक उनके कार को कुछ भी नहीं हुआ, बट यार उनका जो नंबर प्लेट है वो भाई गायब हो गया लिटरली। एंड इस चीज पर गेमर फिट खुद भी शॉक हो गए थे, वो क्या कुछ कहते हैं इसके रिगार्डिंग देखिए आप लोग। भाई अभी तो मैं कहीं तो रुका हुआ हूँ, बट भाई दिल्ली के बस ड्राइवरों को मेरे से क्या प्यार है मुझे नहीं पता। भाई नंबर प्लेट ही ले गया, पप्पी खड़ी गाड़ी में पप्पी लेके गया और नंबर प्लेट भी ले गया है, इतनी अच्छी प्लेट भी नहीं थी यार। एंड गेमर फिट ने जब ये स्टोरी यार अपलोड करी थी, उसके बाद में यार जब वो अपने घर पहुंच गए तो उसके बाद में उन्होंने यार एक और भी स्टोरी डाली इसी इंसिडेंट के रिलेटेड, वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप लोग। तो दोस्तों अपडेट ये है कि अभी के लिए मैंने इसमें एक नंबर प्लेट लगा दी है, बट मंगा दिए दोबारा से जो प्रॉपर होती है लीगल वाली, और मेरा मन आज इसको इतना ज्यादा चलाने का करा ना, तुम लोग एक बार देखो यार क्या मौसम हो रहा है। नहीं मेरा तो मन कर रहा है आज हो जाए यार हल्का सा लिटिल लिटिल, क्या बोलते हो बताओ। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं नोमैड शुभम के बारे में। आप लोग भाई नोमैड शुभम को यार जरूर से जानते होंगे, ये काफी ज्यादा पॉपुलर यार ट्रैवल ब्लॉगर हैं, जो कि अपने चैनल के ऊपर में भाई इंटरनेशनल ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं, वो इंटरनेशनली घूमते रहते हैं। बट अभी के टाइम पे भाई वो एक एयरलाइन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और उस एयरलाइन का नाम है गल्फ एयर। बेसिकली हुआ क्या कि रिसेंटली यार वो फ्लाइट यार कहीं ट्रैवल कर रहे थे गल्फ एयरलाइन से, एंड जो उनका यार लगेज है लाइक उनका जो सामान है उसको भाई गल्फ एयर वालों ने यार एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया लिटरली। भाई उसका जो व्हील वगैरह होता है यार एयरबैग का वो खतरनाक लेवल भाई टूट गया था, आप लोग देख पा रहे हो इस फोटो के थ्रू। तो इस चीज से यार नोमैड शुभम अभी के टाइम पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं गल्फ एयर एयरलाइन से। उन्होंने इसके रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया, और वो कहते हैं क्या गलत कर दी है नए बैग की, इट वाज अ ब्रांड न्यू बैग, यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम, गल्फ एयर एनी कंपनसेशन फॉर दिस। एंड इसके बाद में उन्होंने एक और भी स्टोरी को अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो कहते हैं टेरिबल एक्सपीरियंस फ्लाइंग विद गल्फ एयर, वन लेग इज मिसिंग, हैंडल इज ब्रोकन, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम आई नेवर चेक इन, आई प्रेफर कैरी विद मी। एंड आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है भाई इस चीज पे, जो भी यार चीज नोमैड शुभम के साथ में हुई है आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो भाई मिस्टर इंडियन हैकर का चैनल पे कंप्लीट हो चुका है 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इस चीज पे वो रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं लव यू टाइटेनियम आर्मी, थैंक यू सो मच, वी आर 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स स्ट्रांग नाउ। आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है भाई इस चीज पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं एमएस धोनी के फ्रेंड प्राइम स्पोर्ट्स के बारे में। आप लोग को ऑलरेडी यार मैंने पिछली वाली वीडियोस में यार बताया था कि यार जब एमएस धोनी यार काफी ज्यादा यार पॉपुलर क्रिकेटर नहीं थे, तो उस टाइम पे भाई उनके जो फ्रेंड थे प्राइम स्पोर्ट्स, जिनके यार एक स्पोर्ट की शॉप थी, उन्होंने भाई उनको काफी ज्यादा स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था। एंड अभी रिसेंटली यार एमएस धोनी की कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी, जहां पर भाई यार वो प्राइम स्पोर्ट्स जो कि उनके फ्रेंड की यार बैट की कंपनी है, जो कि उनके स्पोर्ट की कंपनी है, उसको भाई सपोर्ट कर रहे थे। तो इस चीज के ऊपर यार जो प्राइम स्पोर्ट्स के ओनर हैं लाइक जो एमएस धोनी के फ्रेंड हैं, वो भाई रिएक्ट करते हैं एमएस धोनी के इस जेस्चर के ऊपर। परमजीत सिंह कैसा फील हो रहा है आपको ये बताइए। बहुत प्राउड फील हो रहा है हमको एमएस जी से, वो ऑलवेज हमारे साथ है और यही है यारी, यारी नंबर वन, यारी नंबर वन। और वैलेंटाइंस डे के पहले ये गिफ्ट आया है। ये गिफ्ट आया है।
बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं गर्ल स्ट्रीमर के बारे में जिसके साथ में हो चुका है एक बहुत ज्यादा गलत सीन। तो काफी ज्यादा पॉपुलर ट्विच स्ट्रीमर कियारा किटी, अगर आप लोग इन्हें नहीं जानते तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये भाई ट्विच पे लाइव स्ट्रीम वगैरह करती है। और अभी रिसेंटली यार वो अपने चैनल के ऊपर में यार एक आयरल स्ट्रीम कर रही थी, लाइक ट्विच अकाउंट पे आयरल स्ट्रीम कर रही थी एंड वो किसी स्ट्रीट से गुजर रही थी। तो होता क्या है कि भाई एक फीमेल उनके पास आती है एंड भाई वो कियारा किटी को यार एग से मारने लगती है। एंड इसका रीजन जान के भाई आप लोग हैरान हो जाओगे कि उस फीमेल का ये कहना था कि जो कियारा किटी है स्लैश जो वो स्ट्रीमर है वो भाई उनके हस्बैंड को यूज कर रही है। एंड इस चीज की वजह से भाई उस फीमेल ने उस स्ट्रीमर को भाई मारा एग से। वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है अभी के टाइम पे, देखिए आप लोग। What is that? I mean, dude, this is the life of being OnlyFans. This is the OnlyFans you're talking about. आप लोग का क्या कुछ एक्शन है इस गर्ल स्ट्रीमर के वायरल वीडियो के ऊपर, मुझे कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस को जरूर बताना। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं बीस्ट पोशुप के बारे में। तो भाई बीस्ट पोशुप ने अपने ऑडियंस का काफी गंदे लेवल पे भाई पागल बना दिया। बेसिकली हुआ क्या कि उन्होंने कल एक ट्वीट किया था जिसमें वो कह रहे थे वी आर इन पेरिस फॉर अ वीक एंड उसके पीछे आप लोग देख पा रहे एक एफिल टावर भी था। तो सारे लोग तो भाई बिलीव कर लिए थे कि भाई यार बीस्ट पोशुप गए हुए हैं पेरिस में, बिकॉज सबको यार पीछे एफिल टावर दिख रहा था। बट एक्चुअल में यार वो पेरिस में नहीं थे, वो भाई इंडिया में ही थे कहीं पे। एंड वो एफिल टावर जो था वो भाई वो इंडिया के अंदर था, लाइक वो छोटा सा एक एफिल टावर था कहीं पे। एंड इस चीज को यार बीस्ट पोशुप ने खुद ही रिवील किया। वो कहते हैं आई एम नॉट इन पेरिस, लास्ट पोस्ट वाज अ ट्रोल, थॉट आई शुड लेट यू गाइस नो, इन सम केस यू वर एक्सपेक्टिंग अ पेरिस व्लॉग, नॉट पेरिस, बट आई हैव सम प्लान्स दिस ईयर, लेट्स सी इफ दे कम फ्रूशन। आप लोगों का क्या रिएक्शन है यार बीस्ट पोशुप के ट्रोल के ऊपर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं एक और भी यार वायरल वीडियो के बारे में, जहां पर भाई एक मैरिज के अंदर लोगों के बीच में भाई गंदे लेवल पे लड़ाई हो गई, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कुछ हुआ था भाई उस वीडियो में देखिए आप लोग। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं एक बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, एक बहुत ज्यादा शॉकिंग कोलैब के बारे में। यस भाई, रणवीर सिंह जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर है, आप लोगों को पता ही होगा, इन्होंने भाई कोलैब कर लिया है जॉनी सिंस के साथ। एंड लिटरली भाई ये वाला कोलैब जब लोगों ने देखा तो भाई लोग यार यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, सबको ये लग रहा था कि भाई ये एक एडिटेड कोलैब होगा, बट यार एक्चुअल में ये कोलैब हुआ है। एंड यार रणवीर सिंह ने भाई खुद ही पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे ये कोलैब को, आप लोग देख पा रहे। बेसिकली यार सीन क्या है कि रणवीर सिंह एंड जॉनी सिंस का भाई एक कोलैब हुआ है एक इंडियन ब्रांड के साथ में, जिसमें भाई दोनों के ये कोलैब वीडियो आई है, आप लोग देख पाओगे। बेसिकली इसमें जॉनी सिंस भी हैं, रणवीर सिंह भी हैं एंड इसको भाई यार काइंड ऑफ कुछ टीवी सीरियल टाइप का शूट किया गया है। एंड इस अनएक्सपेक्टेड कोलैब के ऊपर, इस शॉकिंग कोलैब के ऊपर यार काफी सारे यूट्यूबर्स का हमें रिएक्शन देखने को मिला। सबसे पहले तन्मय भट्ट कहते हैं सो गुड टू सी वन ऑफ माय ऑल फेवरेट एंड ऑल्सो जॉनी सिंस। इसके बाद में आशीष चंचलानी रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं जॉनी सिंस इन इंडियन टीवी शो विद रणवीर प्लेइंग हिज ब्रदर वाज द लास्ट थिंग ऑन माय लिस्ट। इसके बाद में यशराज मुखाड़े भी रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं आई रियली गॉट इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। ऑल्सो उसके बाद में ट्रिगर इंसान ने भी रिएक्ट किया, वो कहते हैं व्हाट हैव आई जस्ट विटनेस्ड। इसके बाद में कुणाल ने भी रिएक्ट किया, वो कहते हैं गोली खाने के बाद भी 4 सेकंड में हो गया। इसके बाद में देसी गेमर्स रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं WTF। आप लोग का क्या रिएक्शन है भाई इस अनएक्सपेक्टेड कोलैब के ऊपर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। भाई मैंने जब ये पहला बार देखा था यार मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ। तो चलो यार गाइस बस अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग को यार मुझे न्यूज़ सबमिट करना है तो आप लोग को न्यूज़ सबमिशन के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग वहां पर मुझे जाकर न्यूज़ सबमिट करोगे तो डेफिनेटली यार गाइस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा। एंड अगर आप लोग भाई यहां तक वीडियो देखे हो तो आप लोग को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं कि भाई मैंने अपना एक शॉर्ट चैनल को क्रिएट किया है, जहां पर भाई मैं अपनी न्यूज़ की यार शॉर्ट्स क्लिप को अपलोड करूंगा एंड कुछ ऐसे न्यूज़ जो कि यार मैं इस चैनल पर नहीं डाल पाता वो भी यार उस चैनल पर मैं अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोग यार शॉर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, शॉर्ट्स न्यूज़ में इंटरेस्टेड हो, तो उस वाले चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, उसका नाम है मेगा ब्लू शॉर्ट्स। आप लोगों को भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड मैं मिलता हूं भाई आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।